संजय जी अराजकता थी इसलिए जरूरत थी। पानी पीजिए एक ग्लास। आपकी इस बात को तो मनोज यादव खारिज कर रहे हैं। फिर जेपी आपके हिसाब से अराजक हो गए, लालू मुलायम अराजक हो गए। देखिए राकेश पांडे जी, उस वक्त जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को या उस सरकार को जिस जो सही लगा उन्होंने किया। अरे और बाला साहब ने उसका समर्थन किया था। ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए इमरजेंसी लगी थी क्या? तो किस लिए था वो? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। वो किस लिए थी? और इसीलिए तो थी। अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए थी जो, इसलिए भी इमरजेंसी लगी थी तो और क्या था? अच्छा अच्छा अच्छा, ये नया ज्ञान है जी, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इमरजेंसी और कुछ था क्या? ये हमारे देश में और कुछ इसका कारण और? अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अभी तक तो अराजकता की बात हो रही थी, लगी थी देश की परिस्थितियां अलग थी। अब पता नहीं क्या क्या बात, आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो गजब, ये मतलब ये आपके परिवार नियोजन का हिस्सा था इमरजेंसी। तो इमरजेंसी किस लिए लगी थी आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, बहुत ठीक है भाई, पूरी आपने कॉमेडी शो बना दिया। बोलिए ऐसा है कि हम लोग बचपन में थे तो जो कांग्रेस की विफलता के समय बहुत सारे लोग कहते थे कि ये तो अंग्रेज का राज इससे अच्छा था, मैंने अंग्रेज राज के समर्थन करने वाले लोग भी हमारे देश में खड़े हुए थे। ठीक वही स्थिति इस समय इमरजेंसी को लेके है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करती है, यह समझ में आने वाली बात है, वो आपका अधिकार है, किसी के साथ जाइए। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, यह भी आपका अधिकार है जाने। लेकिन मुझे हैरत है कि मनोज जी इतने गुस्से में है, हालांकि इनको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी भाषा इनके पास है, पता नहीं आज कहां से इतना जहर लेके आए हुए हैं कि सब पर जहर उगल रहे हैं। मनोज जी एक शब्द उस आपातकाल के विरुद्ध, क्योंकि देश में केस पांडे अगर किसी एक समय संविधान पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, एक व्यक्ति की आवाज उसका निर्णय ही भारत का संविधान था, तो आपातकाल था। यहां तक कि प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये उसी में है। और मनोज जी को मैं बता दूं कि उस समय के लोगों में इतना आरएसएस और फलाने को लेकर लड़ाई नहीं थी। लास्ट में 130,000 लोग जो जेल में थे ना, उसमें 100,000 लोग जो अंतिम समय था उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी से, अब आज तो बीजेपी नहीं थी, वो जुड़े हुए लोग थे। लेकिन ये कोई प्रशंसा का विषय नहीं था। समाजवादियों ने, मैं जानता हूं हमारे मित्रों ने कैसे उसमें कष्ट सहा है, अपना कैरियर बर्बाद हुआ है लोगों को, हमारे शहर में तो गोली से मरे हैं लोग। तो इसलिए वो मिलजुल के एक लड़ाई थी, उसमें कांग्रेस में भी विद्रोह करके निकलने वाले थे, संगठन कांग्रेस के लोग थे, लोक दल पूरा शामिल था, सीपीएम शामिल था, आरएस नहीं। मैं दो तीन बातें यहां क्लियर करूं। देखिए, आपातकाल को तो ऐसे भी सरकार भले न मनाती हो, लेकिन हर वर्ष 25 जून को इस देश में 500 से ज्यादा कार्यक्रम होते हैं, उसमें सभी प्रकार के लोग भाग लेते हैं। 10 कार्यक्रम में हमने मुलायम सिंह यादव को भाग लेते देखा है 25 जून को, सरकार भले नहीं मनाती हो। और मैं स्वयं अनेक कार्यक्रमों में भाग लेता हूं, 5 जून को जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति दिवस अनेक लोग मनाते हैं, हम सब लोग उसमें भाग लेते हैं। अगर सरकार ने उसमें मनाया है तो केवल उसका यह है कि जो लोग संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं वो देख तो लें कि भाई संविधान किस समय किसने संविधान को एक बार हड़पा था। और उसमें समाजवादी पार्टी को कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए बीजेपी की आलोचना करते हुए। और ये जब ये इस प्रकार से कह रहे हैं तो ये लगता है कि वैचारिक रूप से किसी का आधा पतन इतना कैसे हो जा सकता है कि जो इस देश में मतलब पूरा मौलिक अधिकार नागरिकों का खत्म, न्यायालय के अधिकार खत्म। सुनिए आप लोग, तो जो कुछ आप लिखते थे खबर ना, वो पहले सेंसरशिप ऑफिस जाती थी और उस पर दस्तखत होता था ऑफिसर का कि ये खबर आज जाएगी, तभी वो अखबार निकल सकता था। आज बैठ के बहस नहीं कर सकते थे। उससे खतरनाक दिन भारत में न कभी हुआ है समय, न होगा, ईश्वर न करे समय आए। लेकिन जो लोग संविधान रक्षा की बात करते हैं उनके लिए इसका याद दिलाना, और साथ ही साथ नहीं, एक आध लाइन और है, साथ ही साथ जिन लोगों ने उस संघर्ष में अपना बलिदान दिया है, चाहे जिसकी जो उत्सर्ग रहा हो, उन सबको याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना, सम्मान देना सही समय की मांग है। सही बात है। मैं आऊंगा मनोज जी, मैं चंद्रमोहन जी के पास पहले जा रहा हूं। चंद्रमोहन जी, ये गठबंधन कैसे चलेगा भाई? कोई कह रहा है लालू मुलायम अराजक थे। नहीं नहीं, मैंने एक मिनट, बहुत देर से इंतजार कर रहे, अभी तक नहीं बोले हैं, कहेंगे सबसे बड़ी पार्टी हम ही को बोलने नहीं दिया, तो कह देंगे यहीं पर इमरजेंसी लग गई, तो एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए। कैसे गठबंधन चलेगा लालू मुलायम अराजक आपके परिभाषा के हिसाब से? देखिए, तो बिल्कुल बात ठीक है राकेश भाई की, अघोषित इमरजेंसी तो आपकी डिबेट में मिल गई,
कि आपको जो निर्देश मिला उसके अंदर पूरी डिबेट खत्म हो गई, कांग्रेस को आपने टारगेट बनवा दिया कहां भाई, उसका पक्ष लेने के अंदर समय गुजार दिया। अरे संजय राउत ने बोला है, संजय राउत के बयान पर डिबेट कर रहा हूं। देखिए अभी मैं दे रहा हूं, अभी मैं दे रहा हूँ राकेश भाई दे रहा हूँ। अब देखिए गुरु प्रकाश जिस पार्टी के अंदर है उसकी पार्टी संविधान हत्या दिवस मनाती है, जब संविधान एक पवित्र शब्द है, बाला साहब ने गलत किया और बाबा साहब अंबेडकर को पारित करती है और उस संविधान के साथ संविधान हत्या दिवस। एक मिनट संजय जी आ रहा हूँ सर। बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था और 35 साल पुरानी बात को लेकर आज उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश की पार्टी। अरे चंद्रमोहन जी, मैं 35 साल पुरानी बात की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मोदी मैं तो कह रहा हूँ संजय राउत ने आज इमरजेंसी को सही ठहरा दिया, तो क्या आप लोग ये बयान सही मानते हैं? अराजकता थी तो क्या लालू मुलायम अराजक थे? नहीं, जेपी अराजक थे। जीवन राम कैसे बात कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण, निजलिंग अप्पा, बड़े नेता। मुझे अपना बयान तो पूरा देने दीजिए। नहीं, आप बयान दीजिए सर, बयान के लिए नहीं होता है, जवाब के लिए होता है। तो जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, इधर उधर की बात नहीं। आधा तो आप इधर उधर की बात नहीं है, सवाल ही दे रहा हूं मैं आपका जवाब। तो जो मोदी करते करते एक अकेला सब पे भारी है घोषित इमरजेंसी लगाई थी, उनको अब इमरजेंसी याद आई 10 साल के अंदर? और अराजकता किसने फैलाई देश के अंदर? बीजेपी के नेताओं ने, जो निम्न जाति के वर्ग के ऊपर मूंद देते हैं, जो हाथर जैसी। अरे सर प्लीज 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 देते हैं जिस देश के अंदर। नहीं 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 चंद्रमोहन जी, ये सब तर्क नहीं चलेगा। और ये सब तर्क इसलिए नहीं चलेगा कि आपके शासनकाल में देश में क्या क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, कहीं पर कोई अभद्र घटना हुई उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया और उस पर कार्रवाई हुई है, तो इसको इमरजेंसी से मत जोड़िए सर। वो इमरजेंसी, इसको बिल्कुल इमरजेंसी से मत जोड़िए प्लीज, इसको इमरजेंसी से मत जोड़िए सभी, बिल्कुल इसको इमरजेंसी से मत जोड़िए। आप अभी भी शिवसेना पर नहीं बोलना चाहते हैं संजय जी ठीक है सर। संजय जी, ये आपकी परिभाषा इमरजेंसी की, मतलब इमरजेंसी सही बाकी सब गलत, कुछ भी करेंगे कांग्रेस का साथ के लिए। इमरजेंसी में बहुत से मामला थे, देखिए इमरजेंसी के बहुत से मामला थे और जो भी वो मामला थे उन सभी मामलातों में बाला साहब ने इमरजेंसी को समर्थन किया था। 25 साल से बाला साहब ने एक बार जब कांग्रेस का समर्थन छोड़ा, उसके बाद बीजेपी के साथ जब से गठबंधन किया, बीजेपी के किसी एक भी नेता ने बाला साहब को गलत नहीं कहा। अरे तो संजय भाई, बाला साहब ने तो समाज को, अरे सुनिए ना, बाला साहब ने तो अयोध्या का भी समर्थन किया, वो गलत किया। राम मंदिर का समर्थन किया, खुलकर कहा कि बाबरी गिराई, तो जो लोग इस स्टैंड के विरोध में उसके साथ जाकर क्यों मिल गए? इतनी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप तो? नहीं, आप ना मतलब आप फाइटिंग कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह। अरे मैं फाइटिंग थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, सवाल पूछना फाइटिंग हो गया। आप बात कर रहे हैं क्या मतलब? अरे भाई, आप आपातकाल के प्रवक्ता बन गए हैं। आप मेरे को जवाब देने दीजिए, बोले तो हमने पार्टी का प्रवक्ता हो जाए। राम मंदिर का समर्थन बंद कर दिया किसने? क्या हमने अब धारा 370 का समर्थन बंद कर दिया? आपने जो भी 2-3 बातें कही, क्या हमने अब इसका समर्थन बंद किया है? अगर समर्थन नहीं बंद किया, लेकिन जो लोग विरोध में थे उनके साथ जाकर मिल गए। हमारे पास निमंत्रण लेट आया था इस समय। चलिए, जो मनोज यादव कुछ कह रहे हैं, सिद्धांत हो गया सर, मुझे पता है आप अलग अलग लाइन पर हैं, अलग लेन पर हैं। संजय गुप्ता जी बोलिए, मनोज जी आप जो कह रहे हैं मतलब किस लिए? देखिए कौन बोल रहा है ना बीच में, मैं महत्वपूर्ण बिंदु लाना चाहता हूं। बावजूद भी जैसे कहा गया कि नहीं, अब तो बिल्कुल कोई ऐसी इमरजेंसी ऐसी स्थिति नहीं। अगर कोई भी बात करे, अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, गंभीरता से लेना। अवधेश जी ने कहा कि न्यायपालिका पे भी पहरा था, कोई बात पर उनको। अरे रुक जाइए संजय जी, एक मिनट, ये संविधान, संजय जी एक मिनट रुक जाइए, ये हमारे देश का। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से एक सरकार की, अभी जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता तय करेंगे कौन चुनाव आयोग का आयुक्त तो बनेगा, तो क्या इस सरकार ने वो बात मान ली? क्या कर लिया सरकार के पक्ष में ना? इसे अघोषित इमरजेंसी नहीं कहोगे तो क्या? नहीं नहीं, एक तो इसमें क्रॉस कर देता हूँ कि शाबानो केस में जो फैसला पलट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या था? इमरजेंसी है। उस समय सुप्रीम कोर्ट फैसला दिए ही नहीं सकती थी। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ करिए। अच्छा, वक्त कम है गुरुप्रकाश, 10-15 सेकंड में आपका क्लोजिंग कम है। समय समय